Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Staff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Yeah. और गाइस शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज Redmi के साथ। Redmi ने इंडिया में फाइनली अपने Redmi Note 10s और Redmi Watch को लॉन्च कर दिया है। Redmi Note 10s जो स्मार्टफोन है, इसकी वीडियो ऑलरेडी होगी है लाइव। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो वीडियो लोग टेक्स्ट देखने के बाद उस वीडियो को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आप बताइए आपको ये Redmi Note 10s स्मार्टफोन कैसा लगा। और इसके अलावा गाइस Redmi की जो वॉच है इसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है, और इसी के चलते ये जो मेरे हाथों में दो दो घड़ियां हैं ये वाला सीन चल रहा है। तो बहुत जल्दी इन दोनों चीजों का फुल इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। और के साथ में Asus ने अपनी Zenfone 8 सीरीज को भी लॉन्च कर दिया है। Asus Zenfone 8 और Asus Zenfone 8 Flip ये दोनों स्मार्टफोन हो गए हैं लॉन्च। और स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, ये स्मार्टफोन्स दिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को इन सारी चीजों के बारे में मैं बता ही चुका था। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो Asus Zenfone 8 जो स्मार्टफोन है इसकी इंडियन कन्वर्टेड प्राइसिंग बनेगी समवेयर अराउंड 44,000 रुपीज। और बात करें Asus Zenfone 8 Flip की तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही महंगा है, अराउंड 71,000 इसकी प्राइसिंग होगी। बट लेके चलो यार, यूरोपियन प्राइसिंग जो होती है ना, यूरोपियन वाली, वो ज्यादा ही होती है। तो इंडिया में जब ये स्मार्टफोन्स आएंगे पक्का से, तो इंडिया में इनकी प्राइसिंग आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। वैसे आप बताइए आपको Zenfone 8 सीरीज के ये स्मार्टफोन्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन आप हमें बता सकते हैं। और गाइस Samsung Galaxy M02s और Samsung Galaxy F02s इन दोनों स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। फाइनली Samsung ने ऑफिशियली इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए Android 11 वाला One UI 3.1 कोर जो अपडेट है इसको रोल आउट करना शुरू कर दिया। सो यस, अगर आप यूज कर रहे हैं इनमें से कोई भी स्मार्टफोन को, या फिर फॉर सम रीजन अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को यूज कर रहे हैं, सेटिंग्स मेन्यू में जाके अपडेट वाले बटन को जोर से दबा के आप अपने Galaxy M02s और Galaxy F02s स्मार्टफोन्स को लेटेस्ट अपडेट के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और गाइस Samsung बहुत जल्दी अपने एक और नए 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम होगा Samsung Galaxy A22s। जी हाँ, Samsung Galaxy A22s जो स्मार्टफोन है इसको आज मैंने स्पॉट कर लिया है Google के सपोर्टेड डिवाइसेस के लिस्ट पे, और साथ में हमारी पुरानी जानी पहचानी Google Play कंसोल लिस्टिंग पे। और इन लिस्टिंग्स की अगर हम माने तो यार, स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलेगी एक 1080x2009 पिक्सल्स अजीबो गरीब रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, साथ में एंड्रॉइड 11 होगा, 4GB रैम होगी, और साथ में आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर। और ये स्मार्टफोन दिखता कैसा है मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूं। और गाइस Dimensity 700 प्रोसेसर की बात करें तो वैसे Dimensity 900 जो प्रोसेसर है, आपको बताया था मैंने कल, याद है क्या तुम्हें याद है, ये जो प्रोसेसर है ये MediaTek ने ऑफिशियली आज अनवेल कर दिया है। और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स वगैरह जो हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। Oppo Reno 6 स्मार्टफोन जो है ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा Dimensity 900, ये 900 वाला प्रोसेसर। और गाइस Samsung ने अपने आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए कुछ नए ग्लासेस को ट्रेडमार्क कर लिया है। पहले ग्लास का नाम है Samsung SUTG, UTG मतलब अल्ट्रा थिन ग्लास। इसके अलावा UTG प्लस, UTG 2.0 ये भी ऑलरेडी ट्रेडमार्क हो गया। और चौथा वाला जो ये ग्लास है ये गेम ऑफ थ्रोन्स लवर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग होने वाले, बिकॉज Samsung ड्रैगन ग्लास भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। कितने लोगों को वैसे ड्रैगन ग्लास के बारे में पता है, और अगर आप GOT फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस Samsung के स्मार्टफोन्स हो गए, अब Samsung की घड़ियों की घड़ी आ गई। Samsung Galaxy Watch 4 और Samsung Galaxy Watch Active 4 जो स्मार्ट वॉचेस बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली हैं, इनके बारे में आज एक नई रिपोर्ट निकल के आई। और इस रिपोर्ट की अगर हम माने तो इन दोनों घड़ियों में हमें Google का Google Wear OS देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे Samsung का जो अपना Tizen था या कोई भी प्रोप्राइटरी स्किन नहीं होगी, Google का जो Wear OS होता है वो आपको Samsung Galaxy Watch 4 और Samsung Galaxy Watch Active 4 Active इन घड़ियों में भी देखने को मिलने वाला है। और गाइस Realme बहुत जल्दी अपने एक और नए ब्लूटूथ स्पीकर को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम होगा Realme Pocket ब्लूटूथ स्पीकर। एज द नेम सजेस्ट्स, ये एक पॉकेटेबल, पॉकेट फ्रेंडली, पॉकेट साइज वाला होगा ब्लूटूथ स्पीकर। और आज इस स्पीकर को मैंने चाइना क्वालिटी सर्टिफिकेशन CQC पे कर लिया है स्पॉट। बहुत जल्दी आपको Realme की तरफ से ये स्पीकर अब मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और गाइस इन्फिनिक्स ने दो नए तगड़े स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं ग्लोबल मार्केट में। इंडिया में भी ये स्मार्टफोन्स जो हैं आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। इनके नाम है इन्फिनिक्स Note 10 और इन्फिनिक्स Note 10 Pro। Note 10 Pro स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है एक अच्छी खासी बड़ी 6.95 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, साथ में हीलियो G95 प्रोसेसर है, 6GB/8GB रैम है, 128GB/256GB आपको मिलती है इंटरनल स्टोरेज, 64+8+2+2 आपको मिलता है रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का है सेल्फी स्नैपर, 5000 mAh
एमएच है बैटरी और साथ में 33 वॉट्स की आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग। प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन अराउंड $260 का लॉन्च किया गया और इंडिया में लेके चलो कितना हो गया, मतलब 15-16 हजार की रेंज में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है। और इन्फिनिक्स नोट 10 की बात करें तो इस स्मार्टफोन में भी आपको 6.95 इंचेस की मिलती है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक का है हेलियो G85 प्रोसेसर, 4GB/6GB रैम है, 48+2+2 रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का है सेल्फी स्नैपर, साथ में 5000mAh बैटरी है और 18 वॉट्स की आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग। इसकी प्राइसिंग जो है ये है $199, कन्वर्ट आप खुद कर लो, मैं 2 मिनट सांस लेके आया। Xiaomi ने फाइनली चाइना में अपने नए प्रीमियम TWS को भी लॉन्च कर दिया है। ये जो TWS है इनका नाम है Xiaomi Mi Flip Buds Pro। इनकी प्राइसिंग है चाइना में 799 yuan, मतलब लेके चलो इंडिया में अगर ये TWS लॉन्च हुए तो 10,000 रुपए 10,000 रुपीज के आसपास इनकी प्राइसिंग हो सकती है। आपको ये वैसे TWS कैसे लगे, इनका डिजाइन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस TWS की बात करें तो वैसे Vivo ने भी अपने एक और नए TWS को लॉन्च करने का प्लान बना लिया है। ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट Vivo के सेकंड जनरेशन होंगे TWS और इनका नाम ही Vivo TWS 2 होगा। Vivo TWS 2 जो है ये चाइना में लॉन्च होने वाले हैं 20th मई को और लेके चलो बहुत जल्दी हमें Vivo के ये ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स जो है ये इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस Vivo की बात कर रहा था, वैसे आपको साथ में ये भी बता दूं कि यार Vivo V21e ये स्मार्टफोन अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और अब Vivo अपने Vivo V21se स्मार्टफोन को भी लॉन्च करने वाला है। ये जो स्मार्टफोन है, आज इस स्मार्टफोन को मैंने स्पॉट कर लिया है Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे। और Geekbench की अगर माने तो Vivo V21se स्मार्टफोन में हमें एक Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर मिलेगा, Android 11 होगा और साथ में 8GB रैम आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। Geekbench स्कोर जो है स्मार्टफोन के मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस मोटोरोला वैसे आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन आया था और स्टफ लिस्टिंग्स करके एक इंसान है, उसने उसकी अप्स एंड डाउन्स वीडियो बनाई थी, याद है आपको? अगर नहीं देखी चेक कर लेना, मैं लगा रहा हूं लिंक। शाउट आउट टू स्टफ लिस्टिंग्स फॉर दिस अमेजिंग मोटो G40 फ्यूजन अप्स एंड डाउन्स वीडियो बाय द वे। दिशा से मैं भटक गया। बात करें मोटोरोला की तो यार मोटोरोला यूजुअली रिफ्रेन्स फ्रॉम यू नो फास्ट चार्जिंग एंड वायरलेस चार्जिंग, बट यहां पे मोटोरोला ने कमाल कर दिया। मोटोरोला ने कलैब किया है गुरु एक कंपनी है, गुरु से कलैब की और मोटोरोला बहुत जल्दी ट्रूली वायरलेस चार्जिंग सिस्टम्स को भी लॉन्च करने वाला है, अनवील करने वाला है कमर्शियल मार्केट के लिए। मतलब ओवर द एयर चार्जिंग, हवा में ही आपका स्मार्टफोन पड़ा होगा और वो चार्ज हो जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी वैसे अनवील वगैरह हो चुकी है 2-3 ब्रांड्स की तरफ से, बट मोटोरोला की तरफ से ये आपको कमर्शियली भी अब लग रहा है कि आज जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। और गाइस एक और अजीबोगरीब घटना हुई है टेक की दुनिया में। ला इको का नाम सुना आपने? ली इको बोलते होंगे कुछ लोग, और ली टीवी करके ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होते थे एक जमाने में। अब यार ये जो ब्रांड है ना, इसका बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप था, मतलब अपने कस्टमर्स के साथ। कुछ लोग इस ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग अभी भी ये ला टीवी वाले स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। कितने लोग यूज करते हैं वैसे, और कितने लोगों ने इस ब्रांड का कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइफ में यूज किया है, कमेंट सेक्शन में आप हमें भैया बता सकते हैं। बट यार अभी बात करें अगर इस ब्रांड की, ला इको जो है ये अपना कमबैक करने वाला है। इको इज बैक अभी के लिए चाइना में, बट इंडिया में भी इसके लॉन्च होने के चांसेस बन रहे हैं। और लेके चलो स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फोन, सुपर फोन्स और साथ में हेडफोन्स वगैरह, बहुत सारी हमें ऐसी स्मार्ट चीजें ला इको की तरफ से देखने को मिलने वाली है। कितने लोग चाहते हैं वैसे कि यार ये जो ला इको ला टीवी वाला ब्रांड है ये इंडिया में वापस आए, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। विच पेमेंट ऐप डू यू लाइक यूजिंग द मोस्ट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे? यहाँ पे 50% लोगों ने वोट किया है गूगल पे को। और गाइस ये था कल का पोल। आज की वीडियो का पोल सिंपल सा है, Redmi Note 10S स्मार्टफोन जो है इसकी प्राइसिंग आपको कैसी लगी, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। ओके, Xiaomi के MIUI को लेके एक और खबर निकल गई है यहाँ पे, और ये अच्छी न्यूज है, घबराइए मत। यहाँ पे ड्रीम गर्ल वाला कुछ नहीं मशीन, अगर आपको ड्रीम गर्ल के बारे में नहीं पता तो आप हमारी अनबॉक्सिंग्स नहीं देखते। Nevertheless, MIUI 11 जो है, मतलब जब अनवेल हुआ था तब से लेके आज तक MIUI 11 ने मोर देन 35 से ज्यादा अर्थक्वेक के केसेस जो है ये डिटेक्ट कर लिए चाइना में। अब ये अच्छी चीज है और आगे भी Xiaomi कह रहे हैं कि यार इस फीचर को हम इंप्रूव करना चाहेंगे, एनहांस करना चाहेंगे। और मतलब चाइना में ना थोड़ा सा अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस ज्यादा रहते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद आर कंट्री और हमारा जो एरिया है, तो वहां पे जो MIUI है ये लोगों की इस तरीके से भी हेल्प कर रहा है। और ये चीज मेरे को वैसे अच्छी लगी और आई थॉट कि यार आपको भी ये चीज मुझे शेयर करनी चाहिए। और गाइस बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपने अभी तक स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, बी अ भिडू एंड ज्वाइन द स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी। ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाइए और उसके साथ जो घंटी है उसको दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे।
और गाइस लास्ट न्यूज निकल के आ रही है पोको की तरफ से। पोको लॉन्च करने वाला है 19th मई को अपने पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन को। और ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च से ठीक पहले इसके रेंडर्स हाई क्वालिटी रेंडर्स हो गए हैं लीक। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन। नॉट जस्ट दैट गाइस, पोको M3 Pro 5G स्मार्टफोन को SGS FIMCO सर्टिफिकेशन भी आज मिल चुकी है। सो आपको लो ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह जो है ये स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस ये थे आज की टेक स्टफ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो भी हर बार की तरह पसंद आई होगी। शाम को एक और वीडियो आने वाली है, सो उसके लिए भी यू कैन स्टे ट्यून्ड एंड यू कैन सेव सम डेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पीस। जय हिंद।